जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे शनि करे परेशान तो करें ये टोटका, शनि हो जाएंगे बिल्कुल शांत। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टोटका जिससे आप शनि को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। शनि ग्रह जब नीच हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। यदि मारक अवस्था में शनि पहुंच जाए, आर्थिक तंगी देने लगे, व्यापार बंद हो जाए, तो आप शनि का ये टोटका अपनाकर शनि को शांत कर सकते हैं। जब शनि शांत हो जाएंगे तो ये सारे नुकसान रुक जाएंगे। यदि आपको मालूम है कि जन्म कुंडली में शनि है तब ये उपाय कीजिए, वरना अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जान लीजिए कि आप पर कौन सा ग्रह है और कौन सा उपाय करना चाहिए। शनि शांति उपाय, तो आइए हम जानते हैं शनि को कैसे शांत करें। शांत करने के शनि के हजारों उपाय हैं, उनमें से ये एक बहुत जबरदस्त उपाय आपको बता रहा हूँ। शनिवार थोड़ी अल्कोहल ले लें, यानी शराब ले लें, ब्रांडी शराब जो भी है, तथा इसको सूर्य डूबने से पहले किसी चुराहे में जाकर गिरा दें। अब आप पूछेंगे कितनी ले लें, तो मैं कहूंगा कि एक दो घूट ले लें, यानी थोड़ी सी ले लें जितनी आपका दिल करता है। ये टोटका सिर्फ शनिवार ही करना है, किसी और दिन नहीं कर सकते हैं। शराब गिराने के बाद सीधा अपने स्थान पर लौटें। यदि शराब अल्कोहल ना मिले तो आप स्पिरिट भी ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो हवा में उड़ जाती हो, स्पिरिट भी ले सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिरिट भी ना मिले तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। ये टोटका शनि को बिल्कुल शांत कर देगा और आप पर जो शनि के नुकसान हो रहे हैं उन नुकसान को बंद कर देगा, यानी नुकसान बंद हो जाएंगे, चाहे वे आर्थिक नुकसान हो या शारीरिक नुकसान हो। चौराहे में करना है ये, जो जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं, वहां पर ये टोटका करना है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष संबंधित बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां मैं इसमें देने वाला हूँ, हेल्थ टिप्स आदि बहुत कुछ, शिरडी के साईं बाबा संबंधी और भी बड़ा कुछ। यदि आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप मुझे कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पर लिख दीजिए या वॉइस मैसेज बनाकर डाल दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ये जवाब 24 से 48 घंटे में मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। यदि आप कॉल करते हैं तो मुझे भी परेशानी होती है और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप कॉल करेंगे मैं उसी समय आपकी जन्म पत्री देख दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिखें या वॉइस मैसेज करें, मैं जरूर बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, जय श्री राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।